नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा मेरे वीडियो में। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप। हाँ, मैंने जो स्ट्रीम पे आप लोगों से कहा था कि इन सारे टीमों के बारे में, इन सारे इंडिविजुअल प्लेयरों के बारे में हम बात करेंगे, सो आज वो दिन है जहाँ पे हम टॉप 10 प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। शुभकाम में देरी क्यों, चलते सीधे हमारे पहले प्लेयर की तरफ। इंडियन रीजन के टीम इलीट के किलर, यस ये रशर है अपनी टीम के। मैं इन्हें छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसे ही नहीं कहता। उन्होंने फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप में जैसा परफॉर्मेंस दिया था ना उस आखिरी कालाहारी के मैच में, उसके बाद तो उनका इस लिस्ट में शामिल होना तो बनता ही है। तो चलते हैं हमारे आज के और मेरे लिस्ट के दूसरे प्लेयर की तरफ। वो भी इंडियन रीजन का है, वो है पीवीएस गेमिंग का योगी, मतलब आईजीएल एंड नीडर। बिग ब्रेन प्ले भी जानते हैं और आगे जाके अपने टीम के लिए किल्स भी बटोरते हैं ग्रेनेड से, तो इसीलिए मैंने इनको मेरे लिस्ट में शामिल किया है। अब इस लिस्ट के तीसरे खिलाड़ी हैं चाय, मतलब ये वाला चाय नहीं बट ईस्पोर्ट्स अरीना का प्लेयर है वो। ईस्पोर्ट्स अरीना यानी थाईलैंड की टीम, यस ये फाइनल्स में बैठे हुए हैं बट इनको इस लिस्ट में तो शामिल करना ही था क्योंकि वो अपने टीम के लिए रशर भी हैं, असॉल्टर भी हैं और बहुत तगड़ा खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए। मेरे लिस्ट में अगला खिलाड़ी इंडोनेशिया रीजन से है, उनका नाम है मिस्टर O5 एंड ये ईवॉस डिवाइन के खिलाड़ी हैं। हाँ, ये वही ईवॉस डिवाइन है जो बहुत देर तक जोन के बाहर बैठे रहते हैं और फिर जोन के अंदर घुस के सबको मारते हैं। यस ये अपने टीम के असॉल्टर भी हैं एंड यस जैसे किलर अपने टीम के लिए आगे जाके किल्स बटोरते हैं, ये भी अपने टीम के लिए ठीक उसी तरीके से किल्स बटोरना जानते हैं, इसीलिए मैंने इनको मेरे लिस्ट में शामिल किया है। देखो थाईलैंड और इंडोनेशिया की बात चल रही है और वियतनाम की बातें ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता था। अब वियतनाम रीजन से मैंने दो प्लेयर को उठाया है, वो है शिन और फंकी एम। शिन BTS नाम की एक टीम से खेलते हैं और वो अपनी टीम के लिए असॉल्टिंग और नीडिंग का काम करते हैं, और फंकी एम ये HQ के प्लेयर हैं और कहीं ना कहीं ये अपनी टीम के लिए सपोर्ट का रोल अदा करते हैं और मुझे जहां तक लगता है कि वो IGL भी हैं। बट हाँ, हालांकि मैं जानता हूं थाइसन कॉल्स लेते हैं बट अगर आपने HQ का गेम देखा है फिर आपको पता लग जाएगा कि ये प्लेयर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगा थाईलैंड की बातें हो गई, इसका मतलब मैं फीनिक्स फोर्स और KOG को भूल जाऊं? नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकता। KOG और फीनिक्स फोर्स से मैंने केविन और द क्रूज को चुना है। द क्रूज जिसके साथ आप पहाड़ी का फाइट देखना चाहते हो, किलर का फाइट देखना चाहते हो, टीम लीड का फाइट देखना चाहते हो, यस फीनिक्स फोर्स के क्रूज अपने टीम के लिए रशर हैं और उनके वर्ल्ड सीरीज के कारनामे आप भूले तो नहीं होंगे ना? नहीं भूले होंगे, पता है मुझे। और केविन KOG के स्नाइपर हैं, स्काउट हैं और सपोर्ट भी हैं, अपने टीम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों टीम से इन दोनों प्लेयर को मेरे लिस्ट में शामिल किया है। अब देखो T20 वर्ल्ड कप में शायद हम जीत नहीं पाए बट यहाँ पे तो जीत सकते हैं। आप सोच रहे हो क्या बात कर रहा है ये तो FFAC की चल रहा है, T20 कहाँ से खींच के ले गया है? हाँ, मैं पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ यार, हाउस ऑफ ब्लड्स के काय को कैसे भूल सकते हो? अपने टीम के लिए ग्रेनेडियर जो है वहाँ पे मौका नहीं कर पाए, यहाँ पे मौका ये जरूर से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। और _gaming 9 प्लेयर्स जुड़ चुके हैं मेरे लिस्ट में, अब बचा सिर्फ एक, तो इसीलिए मैंने MCP रीजन मतलब मलेशिया, फिलीपींस और कंबोडिया रीजन से SAF की टीम से फॉरवर्ड को चुना है। ये अपनी टीम के लिए रशर भी हैं एंड इनका स्टैट्स इनके लिए बोलता है, इसीलिए मैंने इनको इस लिस्ट में शामिल किया है और कहीं ना कहीं MCP रीजन से इनको लोग जरूर से चीयर कर रहे होंगे। चलो ये रहे मेरे 10 प्लेयर्स के लिस्ट, मतलब टॉप 10 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन FFAC। हाँ, FFAC शुरू हो रहा है और आपने ओवरऑल मांगा था, मैंने इसलिए ओवरऑल दिया है। अब आप ये सोच रहे हो कुछ टीमें तो फाइनल से पहुंच, जैसे टीम इलीट अरीना, ये सब डायरेक्टली फाइनल्स में। आप चिंता मत करो, फाइनल्स में जब 12 टीम्स आ जाएंगी मैं एक ओवरऑल टॉप 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन FFAC फाइनल्स उसका भी एक सेपरेट वीडियो जरूर से बना दूंगा। उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा वीडियो को और शेयर करना पड़ेगा। और यस, आपका भी टॉप 10 प्लेयर कौन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ एंड क्या आप मेरे से अग्री करते हो कि नहीं वो भी जरूर से बताना, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है तो इसीलिए मैंने ये कंक्लूजन और ये लाइन ड्रॉ किया है। अभी जहाज का कमान आपके हाथों में है, चलाओ यार, चलाओ चलाओ चलाओ, मिलते हैं अगले वीडियो में।